प्रीवियस गेम में प्रिंस के पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड थी जो कि हटाई, वरना गेम बहुत ज्यादा इजी हो जाती। और जो प्रिंस की चेस्ट पर चमका था वो ही था जिसने प्रिंस को सैंड मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने से बचाया था। पर अब ये हेल्थ बढ़ाने के काम आएगा। अगर हेल्थ फुल कर ली तो दहाका को मारने के लिए वाटर स्वॉर्ड मिलेगी, जो कि नहीं मिलनी। अगर हेल्थ फुल कर ली तूने बोला ना, तो वो तो नहीं होने वाला भाई। मैं इतनी सारी चीज़ें मिस कर चुका हूँ ना, मैं इतने सारे हेल्थ वाले वो मिस कर चुका हूँ। मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मेरी हेल्थ फुल नहीं होने वाली और मेरे को वो नहीं मिलने वाली वाटर शो जो तू कह रहा है। पर ठीक है यार, सही है। अच्छा तूने मेरे को प्रीवियस इसकी स्टोरी बता दी, वरना मैं सोच ही रहा था इसकी चेस्ट का क्या सीन है। तो ड्यूटी उसके लिए शुक्रिया। और अब गेम पे फोकस करते हैं। और अब हम पास्ट में पहुंच चुके हैं, ढाका से अभी यहाँ से बचे थे। और अब मुझको दोबारा ऊपर जाना अपना सेकेंड टावर डीएक्टिवेट करने। डैम इट, हाँ पहुंच गया यार मैं लगभग। अबे रुक जाओ, मेरे को देखने इस साइड से था कोई रास्ता है नहीं। हाँ इसी साइड से है, मैं आया। हाँ इधर से टूटा टूटा था, अब सारा का सारा दोबारा बन गया हुआ। पहुंच गए भाई, अब सारा ठीक हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे करना है पजल। पजल भी है भाई, है 1 2 3 4 चार लीवर हैं जो मेरे को घुमाने हैं। और बहुत सारे चूतिया हैं जिनको मुझे मारना है। और नहीं, ये पजल वगैरह की तरह मेरे को सोच समझ के घुमाने हैं और मैं घुमाई जा रहा हूँ ऐसे ही। ओके यही रास्ता भाई, यही रास्ता है। अबे ऊपर चल जा, देख 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 भाई, इतना साफ साफ दिख रहा है कि चढ़ सकता ऊपर। पर एंचो ये प्रिंस बाजी नहीं आ रहा चलने को, राजी नहीं साला, चढ़ेगा क्या? ये पता तो सोल्व होने वाली है जब सैंचो इससे एक चीज नहीं चढ़ी जा रही। अबे हो गया भाई, हो गया बहन जी। यार ये मेरे को ना बड़ा सिर दर्दी वाला, कभी कभी तुक्के से ग्लिच करना। अगर मैं नीचे देख देख दे यार भाई, कैसे कोई तंगना इस गेम से। देख देख बहन कल लोड़, इतनी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ा और फिर ये ग्लिच करने लग पड़ा। अभी ये अब मैं कैसे संभालूं भाई इसको, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब ये बहन जो अब चूतिया अपना करी बस। अगर अब मैं यहाँ से गिरा ना, मेरे को पता लग गया मेरे लगने लियोड़े। ओ भाई दूसरे लेवर की तरफ भी मैं पहुँच गया। बहन जो चल रहे प्रिंस जल्दी। अब ये है प्रिंस ऑफ पर्शिया, ये है प्रिंस। किसने बनाया इसको? राजकुमार। गलतियाँ किससे हो गई इतनी सारी? अब मेरे को जाना उसके ऊपर, ठीक है? ओके मेरे साथ ना, मेरे को शायद इस तरीके से करना है। किस तरीके से करना? अब मेरे को लग रहा है मैंने ना गलत कर दिया। पर अबे नहीं ठीक है, अगर मेरे को उधर फालतू में जंप मार के जाना है जहाँ पे मेरा जाने का कोई मकसद। अबे नहीं ठीक है, आ गया। मेरे को लगा था मैं गलत जगह आ गया, पर नहीं सही आ गया। अंदर जाना था, मेन वाली की तरफ आ गया। हो गया भाई, अब इससे क्या होगा? ये ध्यान बीच में ग्लच करता है। तो हो गया मेन पजल भी सॉल्व अभी नहीं हुई मेरे साथ से। अभी मेरे को ना पानी वाला सारा करना है कि हर जगह पानी पहुंच जाए। हर जगह पानी पहुंच गया, एक नया चूतिया भी आ गया नीचे। तो क्या पजल सॉल्व हो गई है? ये आएगा इधर। हाँ नीचे वाले में पानी पहुँच गया, ठीक है सही जा रहा हूँ मैं। मेरे को पता लग गया अब क्या करना है, बस पानी हर जगह भेजना। अब फिर उसके बाद ये आगे वाला सीन भी है, कुछ आगे भी कुछ होना है। और मेन रास्ता हमारा शायद वो है, वो गटर से गटर है पता नहीं। हैं क्या ये? क्या मैं तो नीचे गया भी नहीं, ये क्या दिखाना चाहते थे? और मैंने ये चिरकुट वगैरह पहले भी नीचे देख रखे थे, तो अपनी तरफ से पता नहीं। ठीक है भाई, बैकग्राउंड में गाना बज गया ना, मैं कहता हूँ उतना ही सही है। वैसे भी गाना बड़ी मुश्किल से बजता है। अब ये ना लीवर ये सही घुमाना है। ओ अबे पानी पानी। और मेरे साथ इसी के साथ ये हो गया। It has been done. शायद वो भी शायद, अगर सब कुछ हो गया हो तो। हाँ पानी पानी हर जगह हो चुका है, गर्मी में पानी की जरूरत थी, हर चीज को पानी मिल चुका है। अब बस मेरे को ये वाला लीवर खोलना है और फिर मेरे को जाना गया है। मेरे को जाना पता नहीं, हाँ ये गटर वाली साइड इधर जाना है, इधर से पता नहीं अंदर को जाना है। और फिर अभी फिर इस जगह जाके टावर अभी बंद करना है, हुआ नहीं है शायद अभी। हो गया भाई हो गया। तो वो मेन डोर खुल चुका है, अपने बस मेन जगह जाना है। आधी गेम फिनिश हो चुकी है। ओके कहाँ पे हो गया? अभी कितने सारे एरिया जो हमने नहीं ढूंढा। अब हमें जाना है वहीं पे मेन एरिया पे जहाँ पे हमने उस राजकुमारी से मिले थे। पर मेरे हिसाब से ना वहाँ जाने का ना शॉर्टकट है यहाँ पे। मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे साथ से वहाँ का शॉर्टकट इधर दिया हुआ है, तभी उन्होंने वो नाली टाइप दिखाई है। वो भी मैं तो देख पाऊँ अगर मेरे को पता हो कि इधर से कहाँ जाना है, इधर से जाने का रास्ता अगर मेरे को समझ आ जाए कैसे जाना है तो। अरे तो वो रास्ता तो खुल नहीं रहा,
तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ जिस रास्ते से मैं आया था, मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, शायद उस रास्ते कुछ मिलना हो, शायद उस रास्ते कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ हो, पर मेरे को नहीं पता भाई। मैं और टाइम नहीं बर्बाद कर सकता, यहाँ तो ग्लिच है जो ठीक नहीं होने वाला, तो मैं अब सिंपल उसी रास्ते से वापस चलता हूँ अगर मैं सही जा रहा हूँ तो। बाकी अगर तुम्हें पता हो क्या हो तो मेरे को बता देना यार कि ग्लिच है या मैंने कुछ मिस कर दिया है, बाकी मेरे को नहीं पता क्योंकि मेन टारगेट है मेन होल, वो जहाँ से आए थे वहीं को मैं चल जाऊँगा। ओके तो इधर से अब मैं मेन होल की तरफ पहुँच जाऊँगा और आ गया भाई आ गया। अब इधर से मेरे हिसाब से गिर नहीं उड़ाना मैं, अबे गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। और बहुत ज़्यादा टाइम बर्बादी के बाद मैं आ चुका हूँ, अबे मेरे को पानी पी लेना चाहिए था, पर मैं अभी टाइम बर्बाद निकलना चाहता। अबे हाँ आ गया पानी, शाबाश। आगे लिखा है कीबोर्ड में सी प्रेस करने से ये जो एक्स है हाथ में उसे फेंकेगा एनिमी पर और फिर गिरे हुए वेपन पर खड़ा होकर सी दबा के लेग से उठा लेगा। अरे ये मेरे को स्टार्टिंग में पता लग गया था ना ये वाला सीन, पर वैसे शुक्रिया ये बताने के लिए, पर मैं जल्दी समझ गया था, मेरे को पता था कि ये प्रिंस ऑफ पर्शिया में ये सीन करता है क्योंकि मेरे को टूर थ्रोन्स का ना वो थोड़ा सा सिस्टम याद था। ओ पहुंच गया भाई, पहुंच गया मेन एरिया में, पहुंच गया। अब मेरे को लगा ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कोई कटसीन दिखाया। अब मेरे को जाना कहाँ पे है? अबे हाँ अच्छा, अब सीधा जाना है यहाँ से वो जो ग्लास की तरफ है जहाँ पे वो था। ओके गेट इट। अबे it has learned to find me in the past. अबे हाँ सच, ये पास्ट में आ गया, ये मैंने I don't have time for this. ये मैंने अब ध्यान दिया है। ओके ये बहुत ही पता अजीब सीन था, मेरे को असल में पता है वो कौन था पर मैं बोलूंगा नहीं स्पॉइलर के लिए, जिनको बस सबने खेली भी है तो मैं फिर भी, पर क्या सीन बना, स्टोरी क्या थी वो मेरे को मीनिंग वगैरह नहीं पता, ठीक है। और दहाका पास्ट में कैसे आया मेरे को ये भी नहीं समझ आया। मेरे को तो लगा पता नहीं अब फाइनल गेट की तरफ जा रहा हूँ, इधर से भाग के पता नहीं और पीछे भेज देंगे, फिर पता नहीं इधर से दोबारा जाना होगा नहीं होगा, पर आ जाके पहुंच गया भाई, कुछ ना कुछ करके पहुंच ही गया मैं। लेवड़े लगा लगा के देख 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 देखते देख। जाने से पहले अगला कमेंट पढ़ लेते हैं। चौधरी निगम ओके ओके, अबे ये अबे मेरी सिंगिंग पे शक कर रहे हो चौधरी? एक तो मेरे को समझ नाम क्या बोला चौधरी निगम। ओके पर मेरी सिंगिंग पे शक मत करना, इट्स वेरी नाइस। और हम पहुंच चुके हैं भाई मेन एरिया पे जहाँ पे जाना था, अब बस मिलना है कलीना से। कलीना और वो आगे नाम लिया और आ भी गई। Oh, very close. Time is running low. You ready? इसने क्या करना है? Been thinking, Kailina. There is little for you on this island, and there will be less still once I've stood before your mistress. Come with me to Babylon. You'll have a chance to begin a new life, free from the evils of this place. I'm sorry, Prince, but I cannot take you up on your offer. शर्मा रही है। ये प्रिंस आ गया ना, मैंने कहा था प्रिंस अपने असलियत पे आ ही जाएगा कभी ना कभी, कैसे ना कैसे ये अपना ठरकी पे ना बाहर ले ही आएगा। और इतना उसने मना क्या कर दिया भाई, इसने सीरियस लुक कितना दिया कि मेरे को मना किया उसने, प्रिंस ऑफ पर्शिया हूं मैं। अब चलते हैं भाई इसके, ये मेरे से आगे पता नहीं क्यों चल गई, अब इसके पीछे जाना पड़ना है। अबे यहाँ पे सही एरिया बनाया हुआ है ये। Where is the Empress? Where are the sands? और इसने खुद दिमाग ने कहा कि ये पास है तो पास्ट वाली को कैसे लेके जाएगा, ये तो टाइमलाइन को अलग ही चोदी आ रहा है। प्रिंस पोर्टिया भैंचो टाइमलाइन चोदरू है। What are you doing? You've trapped us in here. कल काइलीना अपने असली रंग दिखा रही है। Prince, but only one of us can cheat fate today. Of course, यही है ओ क्या कहते हो उसे एम्प्रेस, तो यही एम्प्रेस। You are the Empress. और ये अपना फेट भी चेंज करना चाहती है। अबे I told you to leave and yet you kept coming back. I began to wonder if you could change your fate, perhaps I could change mine. इससे पता लगता भाई इस गे... अबे ये ओके अबे मेरे को लग रहा कोई सीन है भाई, ये खंभे क्यों बना रखे हैं, इन खंभों से कुछ होगा। लेट मी ट्राई। अबे है ओके कोई बात नहीं, क्या तुम्हें पता था कि मैं ये कलेक्ट करने जा रहा हूँ? ये मूव शायद तुम्हें नहीं पता। अबे ये तो पीछे आ रही है, और क्या क्या जगह जाने। ओ ये अबे मैं जितना चाहे उतना इसको अवॉइड कर सकता हूँ, ऐसी कोई खास शक्तियाँ नहीं है इसके पास, आराम से मर जाएगी। पर मेरे हिसाब से मेरा टाइम बर्बादी बोल चुका है, वो भी एक जगह खड़ी है जो लड़ना लड़ ले, क्या टंडी ब्राम कर रहा है। और
अब ये काली वाली की तरह लड़ेगी या इसका अलग सीन है? अबे, ओ नहीं, ये मार रही है भाई, ये मार रही है। मेरे को लगा था मैं मार दूंगा, नहीं, मेरे लियोडे लगा दिए भाई इसने। ओ शाबाश, मैंने जब सोचा था वैसा नहीं जा रहा। काइलिना इज वेरी स्ट्रॉन्ग और प्रिंस पर्सिया वेंट उस अपने रंडी रोने के चक्कर में इससे मार खाएगा मेरे। अबे सच, ये रुक जा रुक जा, थोड़ा अच्छी तरह एग्जीक्यूट हो सकता था। बैंक बैंक, ओ ये इसके बचना है पेट पे, वो लात मारेगी। ये देखा, ये मार, इससे कैसे बचूं मैं पेट पे? अरे नहीं यार, इसको ना इधर ऐसे ला ला के मारूंगा मैं। ये बैंक ऐसे मरेगी भाई, ये और कोई तरीका नहीं दिख रहा मेरे को इसको मारने का। देख देख इसके बजी अपने इसको भाई ना ब्लॉक करने आता है। लड़कियों को ऑफर दिलवा लो, मेरे साथ इधर चलोगे उधर चलोगे, एक ढंग की फाइट है, वो इससे लड़ी नहीं जा रही, इसको ऑफर करेगा ये। अबे कुछ, अबे अरे इसके तो लियोड़े लगे, अबे इतनी जल्दी, मेरे को लगता है इसको पूरा मारे। ओके बदलाव आ गया इसके मूव में। अबे ये चूतिया कहाँ से आ गए? वो ये मत कहना हेल्थ बढ़ा रही है अपने, नहीं हेल्थ तो नहीं बढ़ा रही, बस एक जगह खड़ी है। पर चलो ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे इनको मार के कुछ मिल जाए, अगर मैं इनको मार पाऊँ तो, अगर मैं इनको मार पाऊँ तो। आखिरकार गेम में एक तगड़ी बैटल आई है जो कि ओकी है। ओके ओके सैंड मिल रहा है, फिर ठीक है, इनको मार के सैंड मिल रहा है, वेरी नाइस। ये अबे चूतिया ब्लॉक मत करो। ओके ओके ओके, अब ये इधर आ जाएगी मेरे से लड़ने। सैंड सैंड सैंड, आ जा। अब मैं क्या करूँ, तलवार उठा के मार दूँ? ओबे लग गई तलवार, ओबे एक और तलवार पड़ी है। ये ले मैडम जी, ये लो। पता नहीं इसको हर्ट हुआ कि नहीं हुआ, अब हुआ होगा। I had hoped Shadi would keep you from the island. Shadi! Or the towers would finish you off. I even cursed the sword I gave you. And yet you did not die! Cursed the sword जो उसने मुझे दी थी, उसमें कुछ पंगा था sword में शायद. Why would you do this? I've already told you. I have foreseen my future to die at your hands. But like you, I've decided to change it! Oh! पर अबे ये क्या बात हुई, अचानक करने की क्या जरूरत थी? बहन की लियोड़ी, और नहीं मेरे को सारा दोबारा करना पड़ना है भाई। अचानक बीच में उन्होंने मार दिया और मैं गया, वेरी नाइस। ओके भाई इस बार हेल्थ, बहन चो लोड़ा, बहन का लोड़ा, प्रिंस है चूतिया भाई। मैंने इतनी हेल्थ बचा के इस बार आया था कि इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हेल्थ बचा के रहूँगा, क्योंकि आज आके सारा सीन पता है हेल्थ का ही है। हेल्थ मेरी ज्यादा होना फिर नहीं ये कुछ कर सकती मेरा। देख दे, अबे फ्यूचर का घोसड़ा बहन चो मारा ये बहन चो। बस ना मेरे को सही पोजीशन पे जाना है जिससे ना, अबे भाई नहीं 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 नहीं, नहीं। अबे मेरी बहन चो, मैं जीत सकता हूँ ये, इतना मैं जीत सकता हूँ मेरे को पता है। सर ये प्रिंस ना, ओके बस ऐसे हो रही वर्टिकल शेप, हम उसमें रहे ना फिर तो ये गई। ये भाई पैटर्न क्यों चेंज कर रही है? प्रिंस चूतिया, प्रिंस चूतिया, प्रिंस इसके डेवलपमेंट के पीछे हो रखा बावला, प्रिंस का ध्यान गंडिया। अबे मैं इसको ना ऐसे टेलीपोर्ट के टाइम मारूँ ना फिर नहीं कुछ कर। अब ये दो बार टेलीपोर्ट हो रही है, पहले एक बार हो रही थी ना तो समझ गया था, अब दो बार हो रही है ये। देख देख अबे अबे बच गया मैं। अबे भाई अब ना मैं, मेरी हेल्थ एक हिट का रह गया हूँ मैं बस भाई। या तो अगर भाई इसको मारना है तो ठीक है, मेरे को पता है इसको मारना नहीं है, तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा जैसे ये टेलीपोर्ट होने लगेगी ना। बहन का लोड़ा, नहीं नहीं नहीं, काली ना तेरा बोकरा मारो। ओपे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। You will not leave this island alive. अब इस, अब वो चूतियों को भेजेगी, चूतियों को, मेरे को फिर सैंड मिल जाएगा भाई। मैं बहुत ही एंड पे पहुंच चुका हूँ अब बस, ठीक है अब बस बस एक हिट का रह गया हूँ, ये भी अलग बात है, पर मैं कर सकता हूँ अब, मेरे में वो स्टाइल आ चुका है। की बकरी तुम चूती हो, मेरा स्टाइल बिगाड़ दो। देख एक हिट तो मैं इसको ये तलवार से फेंक के मार दूंगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इंटेंस मैच, पता नहीं क्यों ये नमूनी कहीं कि मेरे को इतना इंटेंस मैच दे रही है। ये ले ये खा, अब लगा ही नहीं चूती को, लगा ही नहीं। अब तलवार की तरह दूसरी, अब
भोसड़ा इसका इसका भोसड़ा भाई थोड़ी सी हेल्थ और। अब क्या करेगी? अब रंग अबे मत चूतिया मत वन स्टेप अहेड। जैसे भाई टेलीपोर्ट होने लगी उसी टाइम गांड फाड़ दूंगा इसकी भाई। एक दो हिट और वन स्टेप नहीं नहीं अब तो गांड मरा और एक हिट भाई एक हिट है नहीं ना मीन यू नो हार्म कालीना। इतना मेरा दिमाग खराब हो गया मेरा। You are a fool, Prince. No matter what you do, you still fail. तो हमने Just as I have tried and just as I have failed. हमने एम्प्रेस को I am sorry, Kalina. हमने एम्प्रेस को मार दिया है तो सैंड नहीं बनेंगे पर अब होगा क्या? क्या ये गेम की एंडिंग है या क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा और मेरे तो लियोड़े लग चुके हैं मेरे क्या पूरे पैलेस के। अच्छा एक मिनट ये करके सारा करके प्रेजेंट वाला जो अभी सीन ना वो हुआ है तो अभी तक कुछ बदला नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो मेरी कलाकृति मेरी करतूतों की वजह से ये सब कुछ टूटा था और अभी सेव दे रहे हैं मतलब कुछ पंगा है। इन्होंने सीधा कट करके प्रेजेंट पे Despite all the warnings that I would fail, I have vanquished the Empress and prevented the creation of the Sands of Time. I have defeated the Dahaka and fate itself. इन्होंने डायरेक्टली मेरे को बाहर खुद लिया जो कि अच्छी बात है। It's time to find a way off this rock. मेरे को ट्रैवल नहीं करना पड़ा पर दहाका नहीं छोड़े गए थे अभी भी खत्म नहीं हुआ सीन। No, no, no. The fate has not changed this yet. धाका इज हियर टू हैव सेक्स विद यू। धाका पागल हो रखा है पर इसके पीछे मैं बता रहा हूँ धाका को बहन जो बंदे नहीं मिल नया एरिया में अनलॉक हो जगह हमारा वैसे भी एरिया बंद था। अब इधर से जाना किधर है? ओके रास्ता दे रखा है। लेट इज गो प्रिंस लेट इज गो धाका आ रहा है तुम्हारे साथ सेक्सी नाइट्स बताने। ओके भाई ओके अब गेम ना बहुत ज़्यादा परिवर्तन के पास आ चुकी बहन का लियो नहीं मेरे पास बहुत सारा वो है सैंड। ओके बुई ओके बुई ओके अबे इसका भोसड़ा मारा खुला क्या अबे बहन चल जा चल जा चल जा चल जा चूतिया मैं कह रहा हूँ भाई सारी सैंड बर्बाद होगी। ओके बुई ओके बुई अबे इधर जाऊँ उधर जाऊँ इधर जाऊँ चल जाता हूँ अब क्या ही रास्ता रह गया। Saw the Empress die. She never created the sands. There should be no Dahaka. Dahaka timeline का guardian है. उसका मेरे साथ से sands से कोई लेना देना है नहीं. तो कैलीना को मारने का फायदा हुआ नहीं. उसने जो बोला था जाके वही हुआ. मेरा fate change नहीं हो पाया. तो अब आगे क्या? And yet it still pursues me. What has gone wrong? अब क्या रह गया? अब क्या करने को? एक मिनट सोच रहा क्या? आवर ग्लास तोड़ना। अबे एक गुड क्वालिटी कट सीन। थक गया भाई ये क्या ही करे थक गया ये भी। I am the architect of my own destruction. अब क्या नहीं दहाका नहीं छोड़ेगा भाई इसको पर ओके अब मेरे साथ से लड़ने के लिए रेडी हो चुका है ये अब ये भागेगा नहीं उससे तो इट इज टाइम टू फाइट दहाका एंड दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्रेकअप टाइम। इन माय क्वेस्ट टू डिस्ट्रॉय द सैंड्स ऑफ टाइम आई हैव बीन द वन टू क्रिएट देम। ओ अच्छा तो जब इसने उससे मारा था तब सैंड बन गए थे। ये नहीं मेरे को पता था कि असल में इसने बनाया सैंड ऑफ टाइम।
those who fought and fell for the Maharaja. We sought the power of the sands of time. Most found only death, myself among them. But the Mask of the Wraith gave me a second chance. To travel back through time and change my fate. Mask. Do ab ye dwara change karne. This mural shows the impossible. But the Mask of the Wraith gave me a second chance. There may still be hope. Ab ye dwara koshish karega change karne ki. You had your chance to take. Ab nahi. You won't get enough. अब मैं टॉक नहीं करना चाहता, हमारा ब्रेकअप होके रहेगा इस बार। अबे अचानक गेम की क्वालिटी बढ़ गई क्या? अबे ये जगह देखने में तो सही लग रही है, इसने मूरल यहाँ कहीं से पड़ा। अबे बहुत बड़ी जगह है हिसाब से देखा जाए, और ये लाश किसकी है? ओ क्या बात है, यहाँ पे चेस्ट वगैरह पड़ी हुई। अचानक गेम में और फन आ रहा है, मेरे को लग ही रहा मेरे से मेरी तलवारें छीन ली गई हैं। अब मेरे पास फिर से कोई तलवार नहीं है, मेरे को एक और तलवार चाहिए और बहुत सारे रास्ते हैं इधर जाने के। तो अगला कमेंट है, वेल डन ब्रो। मेरे को नहीं पता मैंने क्या किया, पर मैं हमेशा वेल ही करता हूँ जो भी मैं डन करता हूँ। उसके बाद लिखा तूने गुड टेस्ट। भाई स्टील शॉर्ट लाइन हूँ मैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा टेस्ट किसका ही हो सकता है? गेमों में तो मेरा टेस्ट बहुत सही है, मेरे को पता है यार कौन सी गेम कितनी सही होती है और कौन सी खेलनी चाहिए। आजकल लोगों का टेस्ट बुरा हाल हो चुका है गेम के मामले। अबे आ गया वो कहता मैं टॉक कर करूँगा। हमारा ब्रेकअप अभी नहीं हुआ, जब तक हमारा फाइनलाइज नहीं होता सब कुछ मैं नहीं तेरे को छोड़ सकता। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। हमारे पुरानी फोटो में हमारे पुराना एडवेंचर, हमने जो जो आपके साथ में बिताई, धाका नहीं भूल सकता वो सब कुछ। धाका इज लाइक माई एक्स दैट आई वॉन्ट टू अवॉइड। ओके बुल, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है ही फील करने का। वो क्या धाका कह रहा है, वी मेट दिस डेज अगो। अबे मैं ये जगह देखी देखी तो लग रही है। अबे पानी पानी का बोकरा बॉय, धाका बॉय। ओके वो उधर से घूम के आ सकता दूसरी साइड से, अभी भी खत्म नहीं हुआ खतरा। ये क्या करना है, बहुत ही बड़ी जगह है ना। अब उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के उस साइड एक और रास्ता है। अभी सब कुछ ही नीचे हो गया है, अचानक टोम ब्रेडर वाली फीलिंग क्यों आ रही है मेरे को? अच्छा पजल है यार, अब मेरे को वो नीचे करना है, फिर मेरे को ये भी नीचे करना है, फिर मेरे को यहाँ पे जाना है। ये रास्ता तो उसने तोड़ दिया, मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई, मैं कन्फ्यूज हो चुका हूँ कि मैं असल में करना क्या है मेरे को। पर यहाँ से नीचे चलते हैं। ओ ये रास्ता तो टूट गया, ठीक है असल में मेरे को यहाँ से जाना है। अरे यार ये बड़ा शक्का, मेरे को वापस चेक करना पड़ता है कि ग्लिच है कि क्या है। असल में इधर से जाना था और अब मैं सही रास्ता। और धाका, अभी धाका यार इसको रास्ता मिल कैसे गया, रास्ता बंद नहीं था वहाँ से? धाका नहीं छोड़ेगा भाई, धाका जब तक ब्रेकअप मारा हो नहीं आता ना चिकरा। ओके मेरे को रास्ता दिख नहीं रहा, एक दो अभी कौन से रास्ते जाऊँ, अभी कौन सा रास्ता जाना। मेरे हिसाब से मेरे को बार बार आना इधर से, तभी इन्होंने दो रास्ते दिए हुए हैं, एक इस रास्ते से चल जा, एक फिर अगला एक और रास्ता आएगा। जाना पहचाना क्यों लग रहा है ये रास्ता? ओके अगर अब भाई अचानक कैमरा एंगल नहीं चेंज करना होता। ओके भाई चूतिया चूतिया प्रिंस, अबे लोडू क्या कर रहा है भाई? धाका ने देख लिया मेरे को यहाँ पे दामेबाजी करते, वो समझ गया चूतिया आ गया। ओके अभी तक बटन एकदम सही चल रहे हैं, सब कुछ एकदम सही हो रहा है अभी तक, पता नहीं कैसे। धाका भी बहुत पीछे रह गया है। अच्छा मेरे साथ तीन पिलर है ना, तीनों में से है भाई, मेरे को लग रहा मैं एक ही जगह घूम ही जा रहा हूँ। अबे चल ले साले, तीन पिलर हैं तीनों, पहुँच गया भाई पहुँच गया, जो उनसे पिलर की मैं बात कर रहा था ये रहा। अबे मेरे को रुकना नहीं है, बच गया, हो गया भाई हो गया, हाँ ये वाला हो गया। अच्छा अब मेरे को फिर दोबारा दोबारा उधर जाना है, क्या कहते हैं ये सीट मेरे को दोबारा करना है, इस बार मेरे को राइट वाला रास्ता लेना है। मैंने राइट ही लेना है लेफ्ट लेना है? अब मेरे को ये भी नहीं याद कि रास्ता राइट वाला लिया था लेफ्ट वाला लिया था, पर दोबारा जाना है इतना पक्का हो चुका हुआ है। ओके ये एक और सीन हो गया, तो ये पूरी तरह कंप्लीट होगा फिर मुझे इसके ऊपर चढ़ना है। ओके बुई एंड हियर वी गो।
अबे चूतिया, ये भाई मरना चाहता है। ओ ओके, एक तो मेरे को समझ नहीं धाका उस साइड से एंट्री कैसे लेता है, आता मैं किसी और साइड से हूँ। धाका मेरे को भाई पता नहीं प्रिंस पे इतना गुस्सा चढ़ रहा ना, गालियां देने का मन करता है इसे बहुत ही। अब रास्ता राइट साइड से जाना, राइट। हाँ अबे ये वाला तो बहुत ही पास। और यस, ये वाला जल्दी हो गया। और भाई अब कोई ग्लिच नहीं, वेरी नाइस। धाका को उसका मौका मिल गया था भाई, धाका ने अपना मौका गवा दिया। और मैं एक्स से तो बात करना वैसे नहीं पसंद करता, तो इसी के देख लो इस चूतिया को, तुम देख लो भाई इस चूतिया की हरकतें देख लो। इसी के साथ ये भी हो गया भाई, सारा का सारा हो गया। ये जो भी किसी की कब्र थी पूरी ऊपर बिछा दी गई है। अब इधर चढ़ के जहाँ पे वो फवारा नहीं आ रहा, मेरे को वहाँ पे जाना है। ओ, ओ, ओ। सब कुछ अपने आप ही रास्ता खुल गया, मेरे को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। सोचो कब्र जाग जाए। अबे तलवार चाहिए पहले तो, अभी तक मैं लड़ने लायक नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मेरे पास तलवार नहीं है। और हाथा भाई मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया वैसे किसी काम का नहीं है। सही जा रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ। और पानी क्रॉस हो जाएगा वो अलग बात है, तो दहाका द्वार आ सकता नहीं आएगा वो, अब उसको मौका। अबे सेविंग भी आ गई, अबे गाना क्यों बजा दिया ना दहाका का। अगला कमेंट आया, भाई मैंने काफ़ी टाइम पहले खेला था, प्रिंस ऑफ पर्शिया का दीवाना हूँ मैं अभी, बट सारे गेम्स खेल रखे हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया के और कोई न्यू भी नहीं आ रहा। अबे हाँ वैसे न्यू तो नहीं, न्यू आए हैं कई छोटी मोटी गेमें आई हैं न्यू, ऐसी वाली तो नहीं पर नहीं आ रही। और मेरे हिसाब से अब सैंड ऑफ टाइम का रीमेक भी आ रहा है, उसमें भी बहुत चेंजेस और सही करने वाले हैं वो। और सैंड ऑफ टाइम अगर हिट हो गई तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें वॉरियर विद इन और फिर उसका भी, और नया एरिया खोल लिया कोई है नहीं। ओके अब मेरे को दोबारा जाना, दोबारा मेन एरिया पर जाना, कितना इससे दर्द है। हाँ तो फिर प्रिजन में हूँ मैं अभी। और मैं कुछ कह रहा था तुम्हें, क्या कह रहा था, तो हाँ तो उसका भी दोबारा रीमेक बन जाएगा भाई इनका, टू थ्रोन्स और उसका। और इसको मैं कह रहा हूँ टू थ्रोन्स का रीमेक जब बनेगा ना बहन, जो प्रिंस ऑफ पर्शिया अलग ही लेवल पे चढ़ जाएगी। अब प्रिंस ऑफ पर्शिया का टाइम मेरे हिसाब से आने वाला है डूडी, अगर सब कुछ सही रहा ना और सैंड ऑफ टाइम हिट हो गई। और हिट क्या मैं कहता हूँ, सही भी चल जाए, हिट भी क्या ही करना, खेलने के लिए भी बहुत है यार। बाकी अभी जो उनसे प्रिंस ऑफ पर्शिया आ रही है वो 3D तो नहीं आ रही, 2D टाइप आ रही है, पर मैं खेल वो भी खेल के देखना चाहूँगा, पर इम्यूलेटर टाइप के लिए है वो, और इम्यूलेटर की गेम में यार क्या ही बोलूँ उनके बारे। पर तुमने अपनी दिल की बात बताई, दिल की थी पता नहीं दिमाग की थी, जो भी बात थी उसके लिए शुक्रिया। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अबे चूतिए इतने, अब मैं लड़ नहीं सकता, अब दुनिया भर के चूतिए यहाँ पे गंडियाँ हिलाने आ चुके हैं। और मैं भाई और बकचोदियाँ कर लो भाई, बकचोदियाँ। अबे ओ मैं लड़ सकता हूँ इनसे, नहीं यार मेरे को लगा नहीं था। तेरी एबिलिटीज अपनी घाट में डाल ले तू, मैं यहाँ से चला। ओके चुप कर यार, प्रिजन से तो निकल गया हूँ, अब जाना किधर है यहाँ से। अच्छा नहीं जाना पता होगा क्या यहाँ पे, तलवार चाहिए मेरे को। Now, how do I reach it? तलवार चाहिए मेरे को, तलवार मिल गई। और मैं जहाँ, मेरे को इस तलवार के बारे में ना कुछ याद है कि तलवार बहुत ही तगड़े होने वाली है, पर वो तलवार की बातें बाद में देखेंगे, अभी इतना ही करते हैं। पर जाने से पहले आखिरी कमेंट पढ़ लेते हैं। 2007 में खत्म कर चुका हूँ भाई इसको। मैं क्या करूँ फिर, 2007 है अब, ये 2024 है और ऐसे साल आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे को ये बता हंस क्यों रहा, और मेरा क्या फ़ायदा ये जान के, बताओ टोटी बताओ।